ऐसे मजा नहीं आ रहा आई थिंक जोरदार से हम स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट का तो मजा आएगा दिस इज मीडिया सो आई थिंक एक बार गाना सुनना तो बनता है ना बिफोर वी कॉल जुबिन एंड पायल ऑन स्टेज दो बारी क्या है भाजी गल बात सो लेट्स द सॉन्ग मीठी मीठी प्लीज जिनकी आवाज को आप सुनना चाहते हैं हर वक्त हर दिन हर महीने हर साल प्लीज वेलकम जूबिन नोटियाल जोरदार तालियों के साथ लव टू हैव हैल ऑन स्टेज वॉम वेलकम जूबिन अप ऑल गुड ऑल गुड

इस गाने में कपल केशन है मतलब जुबिन आखिर क्या चल रहा है यार यार देखो जो भी मेरे वीडियोस में हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में वो ही हो रहा है <laughs> मुझे लगता है ये गाना एक बहुत ही यू you नो know, हमेशा जब भी म्यूज़िक वीडियो बनती है तो कपल कहीं बाहर हॉलीडे पे होता है और या किसी एग्जॉटिक जगह पे होता है और मेरी म्यूज़िक वीडियोज़ में तो यूजली दिल टूटा होता है कहीं बेचारा रो रहा होता है ये बहुत ही एक अनयूजअल कॉन्सेप्ट था और दिस इज एक्चुअली दिस इज द मोस्ट पर्सनल कॉन्सेप्ट दैट पीपल एक्सपीरियंस कपल्स एक्सपीरियंस जब बाहर जाने का मन नहीं होता जैसे कि लॉकडाउन तो सब लोग अपने अपने घर पे हैं टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट सो आई थिंक दिस इज लाइक सेटिंग कपल गोल्स फॉर द कपल्स की यार घर पे भी हॉलीडे बनाई जा सकती है क्या बात है बहुत बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे में आप सबने देखा कि जुबिन हैज जुबिनो डन रैप फॉर द फर्स्ट टाइम सो so, जुबिन ये आविष्कार कैसे हुआ टेल इज अबाउट इट यार ऑनेस्टली uh, <clears throat> मैंने जो मेरी को सिंगर है और कंपोज़र है गाने की पायल उनको मैंने फ़ोन करके बोला था कि रैप uh, शायद किसी से करवा लेते पर उन्होंने कहा कि आप कर लोगे शी शोड फेथ इन दैट एंड आई ट्राइड इट आई वर्कड हार्ड मुझे लगा था कि रैप आसान होता है पर जब करने में आया तो समझ में आया कि बहुत बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है रैप करना पर वी गॉट इट वॉट वी गॉट इट राइट एंड आई एम हैप्पी पीपल आर लाइकिंग इट आई एम श्योर लोगों की तालियां बताइए कि रैप कैसा लगा तो जोरदार तालियां बनती हैं इस बात पे फॉर जुबिन एंड साथ में जुबिन के साथ जो गाना खूबसूरत बनाया है उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं मीठी मीठी बातें करना चाहे हर कोई इनसे जोरदार तालियां हो जाए फॉर शानवी पूरे दिल से गाने पे एक्चुअली मैं अपने चार चांद लगा दिए हैं शानवी यू बिन लुकिंग अमेजिंग मजेदार और आज तो खैर कमाल कर ही दिया आपने हाय शानवी थैंक यू अभिनंदन सो हाय एवरीवन एंड या तो गाने में चार चांद तो पहले ही लग चुके थे मैं शायद पांचवा हूं क्या बात है Uh, बहुत ही बहुत ही मज़ा आया मुझे ये सॉन्ग करने में रिजल्ट्स hmm. तो बाद में आते हैं बट काम करने में जो मजा आता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है Absolutely. और करने में वो दो दिनों में मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया था एंड मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है इसके पहले कभी म्यूज़िक वीडियो नहीं किया है पर बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं बिकॉज आई हैव बीन एक्टिंग इन फिल्म्स इन साउथ पर म्यूज़िक वीडियोस हैव अ डिफरेंट वाइब वैंड विद जुबिन स्पेशली एंड पायल आई थिंक आई वॉज ऑलरेडी इन द सॉन्ग तो मुझे करने में बहुत मज़ा आया मीठी मीठी को तेलुगु में तमिल में क्या कहेंगे मीन व्हिच योर लैंग्वेज यू कंफर्टेबल विद मीठी मीठी कन्नडा में तेलुगु में और एनी यू कंफर्टेबल विद मीठा शक्कर को सकरे बोलते हैं yeah. बट मीठी को क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता सकरे सकरे मेरी भाई सीवी सीवी हां सीवी हां

तो कहीं भी ऐसा स्पॉइल हो जाता है कोई प्लान तो मैं बहुत जुगाड़ूँ बेसिकली तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको अच्छा मोमेंट बनाई देती हूँ चाहे वो वैकेशन हो चाहे मेरा शूट हो चाहे मेरी तबीयत हो आई मेक श्योर हम पैसा हम खुद कमा लेते हैं और बचा लेते okay. हैं <laughs> बचाते भी और कमाते भी अतालिया आ जाए यार अमेजिंग ओके okay, uh, कभी घर पे मीठी मीठी वेकेशंस स्पेंड किए आपने यार बियकज आई लव ट्रैवलिंग मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है बट मुझे घर पे रहना भी उतना ही पसंद है तो मुझे घर पे ऐसे म्यूजिक लगा के लाइट डिम करके माहौल बना के बैठना और अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ ऐसे चिल करना आई करना बहुत ही ज्यादा पसंद है

पहले जुबिन बताएंगे <laughs> <laughs> हमें वैसे ज्यादा मौका मिलता नहीं रीटेक्स लेने का <laughs> हां वो लोग ओके okay कर देते हैं बोलते हैं uh. हम कर लेंगे बाद में सब कुछ ठीक है <laughs> अगर हम मांगे <laughs> भी रीटे <रिते, laughs> तो नहीं मिलता रीटे हां सो अदरवाइज वन आंसर तो यू नो वन हैज टू आंसर आई टेक मोर रीटेक्स हु इज मोर लाइकली टू गेट इनटू ट्रबल ओके फाइन आई डोंट बिलीव इट बट इट्स ओके सॉरी सॉरी सो हु इज मोर लाइक टू गेट इनटू ट्रबल

जिनकी मीठी मीठी आवाज हो जाती है माइंड में सेव प्लीज वेलकम पायल देव <laughs> क्या बात है पायल यू इट एंड वी वेटिंग फॉर यू टू कम ऑन स्टेज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग तो कैसा फील हो रहा है अपना गाना देके फाइनली सबके साथ बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा कहने वाली बात ही नहीं है मतलब इट्स लाइक अ फैमिली थिंग वी आर एंजॉयिंग द सॉन्ग ऑल टुगेदर सो व्हाट्स योर मीठी मीठी पल विद योर हस्बैंड आदित्य um आई मेक ऑल माय पल सो मीठी विद हिम कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि यार ये पल मीठी नहीं है यू नो आदि भाई आ जाओ इसीलिए आई वुड ऑन दैट नोट वुड लव टू कॉल आदित्य सर प्लीज कम ऑन स्टेज जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आदित्य वेकेशन के बारे में भी बताऊंगी मैं ये सरप्राइज तो मैंने रखा vacation. था पायल के लिए एंड आदित्य अब आप बताएंगे व्हाट्स योर मीठी मीठी पल विद पायल एक्चुअली मेरे सारे पल मीठी मीठी ही है पायल के साथ हस्बैंड नहीं, नहीं मैं सच बता रहा हूँ स्पेशली पायल का सबसे बड़ा फैन मैं ही हूँ और ये जब भी कोई भी गाना बनाती है कैसा भी गाना बनाती है मुझे बहुत पसंद होता है और सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब इसको मैं गाते हुए सुनता हूँ ही इज़ माई इंस्परेशन मैंने बहुत इनको देखा है बहुत हार्ड वर्क करते हुए तो इनसे ही मैंने सीखा है हार्ड वर्क करना क्या बात है आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी मीठी मीठी पल एंड जितने भी मियाँ बीवी होंगे आज उनमें कोफ्त होने वाली इतने प्यार को देख के टच नज़र ना लगे On that note, मैं पूछना चाहूंगा दी सुपर हिट जोड़ी जूबिन एंड पायल जब भी गाने आते हैं तो सुपर डुपर हिट होते ही हैं। सो so, ऐसे में uh, मीठी मीठी आवाज से कभी कहते हो कि बरसात हो जाए आखिर दिल क्या चाहते हो कि तुम ही आना आय हाय बात है आई थिंक uh, तो आदि भाई का जो स्टूडियो है वो एक स्टूडियो भी है एक जैम रूम भी है और वो अपने आप में एक छोटा सा टेम्पल भी है और हम लोग वहाँ बैठते हैं वहाँ मेहनत करते हैं हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं मेहनत करते हैं और uh, वहाँ से जो भी रिज़ल्ट निकलता है मतलब हम आपस में इतना खुश हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि रिलीज़ होगा इसका जो होगा वो अलग बात है लेकिन हमने ऐसा गाना बनाया तो वो हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है तो आई थिंक दैट दैट केमिस्ट्री इज व्हाट हैपेंस एंड जो लोगों को uh, पसंद है मैं मेरे लिए uh, जूबिन बहुत स्पेशल है बिकॉज uh, मेरा पहला सॉन्ग था तुम ही आना uh, उस टाइम पे मैं एज अ कंपोजर मेरा बहुत बहुत पहला गाना था एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई कैन यू सिंग सॉन्ग उन्होंने एक बार में बोला हाँ हाँ मैं गाऊँगा सो so, तब से जो हमारी बॉन्डिंग है लाइक आई प्रेज इम लाइक माई ब्रदर एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी थैंक थैंक यू यू ऑलवेज एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक भूषण सर क्योंकि एक uh, बहुत सच्ची सी बात है बिकॉज uh, मुझे कंपोज़र बनाने में इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा हाथ है uh, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अपने गानों पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं गाने बनाती थी बट मुझे पता नहीं था

वेल यू यू सिंग समिंग ओके सो वेल जिन्होंने इतना अच्छा गाना लिखा है मीठी मीठी पल बनाई है आई थिंक जिनके गानों पे लगता है राग प्लीज वेलकम रश्मि विराग. <laughs> इतने प्यार से लाइन लिखी थी हम भी थोड़े बहुत राग लिख लेते हैं रश्मि जी आई थिंक लिरिसिस्ट होना एक सबसे खास बात होती है कि गाने के जो बोल है अगर वो अच्छे हैं वो कमाल के हैं दमदार है तो गाना जो है बिल्कुल मीठी मीठी की तरह कमाल बन जाता है Warm welcome, I hope ये जो राग मैंने आपके लिए लिखे आपको अच्छे लगे <laughs> बहुत ये पराग से भी मीठा रहा आपका। क्या वाद, क्या सॉन्ग्स okay, uh, जो थे वर लाइक वेरी रोमांटिक एंड सैड दिस इज मोर लाइक मॉडर्न पेपी नंबर है ना सो हाउ योर एक्सपीरियंस वेल माई डॉटर जस्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद माँ बाप फिर से जवान हो गए तो हम पेपी नंबर ही लिखेंगे अब।

इस स्टेप में सबको साथ देना पड़ेगा या yeah, बिल्कुल सो लेट्स गाइज है एंड लेट्स out the मीटी मीटी स्टेप

तो इसीलिए सही क्या बात है तो लेट्स हैव म्यूजिक वंस अगेन गाइस कम ऑन यार बहुत मज़ा आया जुबिन सर के साथ में और सानवी के साथ में काम करके आ, लाइफ का फर्स्ट टाइम मेरा डायरेक्शन में मुझे बॉस को सर ने चांस दिया तो डांसर से असिस्टेंट कोरियोग्राफर और सीधा डायरेक्टर मुझे ब्रेक दिया बॉस को सर ने इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा सर को और ज़ुबिन सर और सानवी ने इतना हेल्प किया मुझे मुझे ब्रीफ मिला था कि जुबिन सर बहुत हैं तो ज़्यादा वो क्लोज़ नहीं हो तो और मैंने पूरा रोमांस करा दिया तो मुझे बॉस बॉस्को सर ने बोला कि नहीं इतना नहीं मैं बोला सर एक बार बात तो करते हैं सर से तो हम लोग ने प्रैक्टिस इतना किया कि ज़ुबिन सर ने अगर अभी हम लोग का एक कैमरा है तो हम लोग एक कैमरा में एक बीट पे जो अगर वो होल्ड कर रहे हैं वो कपड़ा तो वाइड में भी वही टाइम पे होल्ड किया वो बहुत डिफिकल्ट है जो ज़ुबिन सर ने इतना सपोर्ट किया और मैं नहीं मतलब मुझे यकीन नहीं था कि सर इतना बीट पे सब चीज टाइमिंग एक जैसा ही हमेशा करेंगे तो थैंक यू सर थैंक यू बहुत खूब बहुत खूब आई थिंक ये सुन के लग रहा है कि जल्दी जुबिन भाई फिल्मों में भी आ जाएंगे बिकॉज प्रोफेशनली जैसे एक्टिंग कर रहे हैं क्लोज मास्टर का ट्रैक है कोई बोलेगा नहीं कि वो प्रॉपर ये ग्रूव इजी नहीं है वो उन्होंने वो भी किया बहुत अच्छा थैंक यू सर और थैंक यू सो मच एंड इसके साथ ही आई थिंक इट्स टाइम फॉर मीडिया टू हैव यू क्वेश्चन माइंड सो नो स्टार्ट फोर्स वेरी क्विकली जी पायल जी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर टीम आपने बड़ी अच्छी कम्पोजिशन की है और इसमें आपने लिरिक्स का भी ध्यान रखा है और ये बताइए ये गाना जो आपने रिकॉर्ड किया है कितनी सेटिंग्स लेनी पड़ी आपको ज़ुबिन के साथ सर uh, um, हमारी जो टीम है uh, जुबिन मैं विराग सर आदित्य uh, uh, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता uh, जुबिन आते हैं एंड मैं उनको बोलती हूँ भाई ये गाना है और वो एक एक टेक में गा देते हैं और गाना ख़त्म हो जाता है ही इज़ टू फास्ट बिकॉज शुरुआत से हम लोग साथ ही कर रहे हैं काम सो so, uh, इनको पता है कि गाना क्या है सबसे अच्छी बात uh, जूबिन की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि कंपोज़र की फीलिंग्स को समझना मतलब उनको गाने में क्या चाहिए उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं सो so, यस yes, इनमें यह बहुत बड़ी क्वालिटी है सो so, सर हमें बेसिकली तीन घंटा लगता है गाना रिकॉर्ड करने में जिसमें से दो घंटा पचास मिनट हम बातें करते हैं मज़े करते हैं हाँ। दस मिनट में गाना रिकॉर्ड करता है और <laughs> <laughs> रियाज कितना टाइम करते हैं रिहर्सल सर सर रियाज़ गाने के लिए रिहर्सल कितनी की कितनी बारी की सर वही कह रहा हूँ कि दो घंटा पचास मिनट जो हम आपस में बातें कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं उसमें गाना बन जाता है और फिर दस मिनट में रिकॉर्ड हो जाता है एंड इस, इस, इसके अलावा और गाने गा रहे हो आप इसमें कुछ इस एल्बम में, में इस सर ये एक सिंगल है सर ये मतलब एल्बम okay. नहीं और आ, हमारे जो विराग सर है Uh, ये तो इतने सुपर फास्ट है इनके सामने सिर्फ मैं एक बार ट्यून गाती हूँ ना तब तक इनकी राइटिंग हो जाती है क्या बात <laughs> है सो so, हमार हमारी एक इतनी अच्छी टीम है इतनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे को समझते हैं सो दैट्स वाई गाना अच्छा निकल के आता है yes, uh, मेरा सवाल दुबिन जी थे uh, इस, uh, इस छोटी सी उम्र में आपको जिस तरह से आप सफल हुए हैं उसके बाद भी आप इतने हम्बल हैं तो ये हम्बल रहना आपने कैसे अब तक वो किया नहीं तो लोगों को घमंड आ जाता है और दूसरी बात कि ये आप इतने हम्बल हैं किसी को ना नहीं कह पाते हैं। तो क्या आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम हम्बल रहना मुझे उत्तराखंड के पहाड़ों ने सिखा दिया असल में अच्छा अच्छा और आ, क्या बात है मतलब पहाड़ अपने आप में ऐसी चीज होती है कि इतना ऊंचाई तक जाता है लेकिन फिर भी इतना जमीन से जुड़ा होता है तो उन्होंने सिखा दिया उसके अलावा हाँ ये शायद मेरी एक आ, आ, नहीं लेकिन ये आपकी जो खूबी है वो कभी आपकी कमजोरी बनती है कि जी, ना जी, नहीं कहना है और फिर भी आप नहीं कह पाते हैं हाँ जी हाँ जी तो, मुझे बहुत बार मेरे दोस्तों ने और मेरे करीबी लोगों ने यार तू तो ना नहीं बोलता है तो हर किसी को हाँ बोल देता है फिर बाद में तो मुंह बना के बैठा रहता है <laughs> सो नहीं बट मुझे लगता है जो मेरी कमजोरी है वही मेरी मजबूती भी है और फीलिंग समझना ही एक आर्टिस्ट का काम है क्योंकि अगर मैं फीलिंग समझ सकूँगा तभी उनको उतार सकूंगा आपने हर किस्म के गाने गाए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन किस उसमें होता है आपने डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं इस तरह का भी आपने जैसे कहा हर गाने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं गाने से पहले कि उससे ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरा बेबी है अब इसको मुझे इसके साथ ही चलना है मतलब तो मुझे लगता है आ, उसी शायद उसी वजह से इतना पर्सनलाइज्ड फील आ जाती है गाने में कि ये अपना इतना करीबी गाना है मेरा गाना है मतलब जी Yes. Uh, next question. This side, this side. Hi. शारमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड जुबिन सर आपके लिए ये गाना नया है क्योंकि दो चीज़ें एक तो रैप और दूसरा आप रोमांटिक अंदाज में इस गाने के अंदर नज़र आए हैं वेल well, गाना काफ़ी रोमांटिक है uh, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखी लेकिन आपने किस नहीं किया क्या वजह है उसके पीछे हो हो हो। इसका क्या जवाब मैं देखो मैं फिर बताना चाहूंगा इसमें सच्चाई नहीं है कुछ भी ऐसी मतलब आप लो, आप लोग मुझे ये अगले वीडियो में मुझे लगता है, आपको इनसे पूछना चाहिए अगले वीडियो में क्या देखना चाह रही है well, हम <laughs> आपको देखना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल अब ऐसा हो किास्टमी बना दीजिए वेल एक और सवाल मेरा ये भी है हैव लिसन टू योर सॉन्ग एंड जो सोल आपके सोंग में होता है विल नाउ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रैप एंड ऑल बट कैन आई नो कि वाई दिस एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और नई नई चीज़ें देखनी चाहिए सीखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मुझे लगता है इंसान जो है कोशिश की कठपुतली होता है वो जितनी कोशिश करेगा वो अपना उतना ज़्यादा आगे जाता है और जो आप सोल की बात कर रही हैं तो वो थोड़ी बहुत सोल मैं ले आता हूँ गाने में लेकिन जैसे मैंने कहा मैं अपने कंपोजर्स को अपने राइटर्स को जो 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 भी गाने से मैं जुड़ रहा हूँ उनकी आत्मा को समझ जाता हूँ तो फिर मेरे को गाने की आत्मा समझ में आ जाती है तो शायद वो शायद मैं शायद मैं सिर्फ आवाज़ हूँ पर वो आत्मा जो है कंपोजर्स की है उसमें जिससे सोल आती है जी क्या uh, बात uh, से है फ्रॉम बॉलीवुड या एंड टीम जैसे हम बात कर रहे हैं मीठी-मीठी ही और हमें पूछा गया था कि मीथी -मीथी पर, तो like actually, ना व्हाट वाज योर मीठी-मीठी पल तो आई वुड लाइक टू आस्क यू एक्चुअली जो जुबिन और आपसे भी यू ना श्रानवी आपके एक आप या दो जो भी हो गए नहीं मैं समझी नहीं व्हाट इज माय मीठी-मीठी द मोमेंट आप एनीथिंग इन माय लाइफ आ एनीथिंग इन माय लाइफ वैसे बिकॉज आई स्टे विथ माई फैमिली आई हैव माई यू नो मेरे आई हैव माई नीस अराउंड मी आई हैव माई डॉग सो देट एवरी नाउ एंड देन आई गेट दिस मीठी मीठी मोमेंट बट अब आप पर्सनली पूछना चाहें तो ऐसे भी बहुत मोमेंट्स होते हैं ऐसे नहीं है पर्टिकुलर एक मोमेंट के बारे में बोलना तो नहीं पता मुझे बट ऐसे मीठे मीठे मोमेंट्स होते रहते हैं और होने भी चाहिए सबके लाइफ में इट कुड कुड बी 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 एनीथिंग एनीथिंग लाइक लाइक मे योर करियर वाइज और यू नो आई थिंक हम सब अभी एक दो साल के लॉकडाउन से निकले हैं मुझे लगता है हम सबके काफ़ी काफ़ी मीठी मीठी मोमेंट्स रहे हैं इसी किस्म के घरों में अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपने परिवार के साथ सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल टाइम आल्सो व्हेन वी गॉट टू स्पेंड विद आ फैमिलीज़ विद आ लव्ड वन्स हम शायद भूल गए थे कि परिवार में रहने का क्या मतलब होता है और वो हमें लॉकडाउन ने सिखाया अगर देखा जाए उसका ब्राइट आज भी एक ऐसा ही कुछ मीठा मीठा सा मोमेंट है हमारे लिए क्या बात हाय हाय यो यो दिस मयूर यर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड मेरा सवाल एक सवाल जुबिन जी से है एंड सेकंड माय सेकंड क्वेश्चन इज टू शानवी जुबिन जी फर्स्ट सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू गाना हमने दो बार सुना और आई रियली लाइक पेपी म्यूजिक ऑफ इट और आई एम अ फैन ऑफ योर वॉइस मेरे जैसे कई अनगिनत है uh, मेरा एक सवाल है ओबियसली जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है uh, इसकी जो लेगेसी है दैट इज़ बिल्ट ऑन म्यूज़िक और लेकिन ये लेगेसी ऐसी है ऑब्वियसली यू नो आवाज़ किसी और की है लेकिन चेहरा किसी और का है और uh, मेरे ख्याल से ये शायद आपका दूसरा म्यूज़िक वीडियो है जहाँ आप बिहाइंड द माइक और अब इन फ्रंट ऑफ कैमरा शायद आए हैं uh, तो मुझे वही पूछना था कि मतलब कैन यू डिस्क्राइब यू नो दीज मोमेंट्स फॉर यू सर <laughs> मुझे लगता है कि बिहाइंड द माइक और गाना एक गायक के लिए खैर डेफिनेटली आसान है बिकॉज आई एम अ सिंगर बट वो फिर सामने आकर के उस उस चीज़ को निभा पाना उसमें आकर के एक वीडियो में आकर के उसको प्ले कर देना एक अलग बात है लेकिन उस किरदार को निभा पाना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और बहुत मेहनत लगी है और मैं इस वीडियो के लिए क्रेडिट देना चाहूँगा विजय भाई को बहुत ज़्यादा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी ही रियली आउट ऑफ यू नो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग उस परफॉर्म कर पाए और बहुत सीखने को मिला इस म्यूजिक वीडियो में और जब आपके काम के लिए ताली बढ़ जाती है एक आर्टिस्ट को तो एक कहावत है कि जिस दिन आर्टिस्ट को ताली लग जाती है उसके बाद आर्टिस्ट खराब हो जाता है फिर उसको ताली चाहिए चाहिए उसके बाद तो मुझे लगता है हम लोग सब इसी चीज़ के जिसे बोलते हैं हम उसको नहीं सर मतलब म्यूजिक oh, के लिए कर लूंगा एक्टिंग okay. जैसा yeah. करता आ रहा हूँ माई क्वेश्चन फॉर यू ट्रेवलर सो आई वॉन्ट टू यू यू अ वेकेशन डेस्टिनेशन वॉट यू प्रेफर बीच माउंटेन हिल्स स्नो क्लैट इज इट इट माइट बी इंसिडेंट हंड्रेडेंट माउंटेन्स

मैं देख रहा टी सीरीज के हर यू you नो know, जो भी गाना आ रहा है वहां आप मौजूद हैं और मोहब्बत ही कर रहे हैं रोमांस ही कर रहे हैं बड़ा काम पे लगा रखा है आपको प्यार करने के और हर बार जब भी आप प्यार करते हैं खबरें उठ जाती हैं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं किसी को कॉफी पिला रहे हैं अगर गिवन अ चॉइस बॉलीवुड की जब मैं बात करता हूँ you know, टी सीरीज इज अ बिग नेम बड़ी बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रहते हैं वो

क्या बात है थैंक यू जुबिन थैंक यू सो मच गाइस एंड नाउ वी नाउन हैव लाइव मीठी मीठी फ्रॉम जुबिन एंड पायल जोरदार तालियां हो जाए yes you. सिर्फ एक गिटार है आप लोग के साथ में ताली का अगर संगत मिल जाए yes. तो <laughs> <laughs> मीठी मीठी मैं तगल सुने तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा बिखे तेरी मीठी मीठी मैं तगल सुने तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा बबिखे <laughs> कभी तू जुदाई वाली गल ना करना संग जीने मरने का इरादा हो गया धड़का तो पहले भी दिल ये मेरा शोर इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया तेरी मिठी मिठी मैं तो गल तेरे सुने तेरे सोने सोने मुखड़े तेरा रब वेखे तेरी मिठी मिठी मैं तो गल तेरे सुने तेरे सोने सोने मुखड़े ते रब

क्या बात है जोरदार तालियां फॉर दिस मीठी मीठी लाइव ट्रैक जो आपने सुना ऑन दैट नोट जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन गाइस एंड आल्सो वुड लाइक टू कॉल स्टेज फॉर फोटो ऑफ आवर डायरेक्टर विजय सिंह रश्मि विराग आदित्य प्लीज कम ऑन स्टेज सो गायज भी नाउ गोना हैव अ फोटो ऑफ वेरी क्विकली विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ मीठी मीठी एंड देन पोस्ट दैट विल हैव आवर डिनर Thank you so much, guys. Thank you, Jubin, Vijay, Shanvi, Pail, Aditya, Rashmi, Zorda, Thalia, for this entire Meety Meety sarcast.